तो गाइज ये जो मैं मशीन आपको दिखा रहा हूँ इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना ये क्या बनाने वाली मशीन है। ये देखिए पूरा मशीन ये इतना लंबा है, इतना बड़ा है ये पूरी मशीन, और ऊपर ये जो है धागे लगे हुए हैं स्टड्स, और ये पूरा कंप्यूटराइज्ड बेस है, ये कंप्यूटर है इसका जहाँ पे डिजाइन सेट की जाती है। और ये देखिए धागे का बंडल इतना मोटा मोटा बंडल होता है, इसी में फंसा है, इसके थ्रू जो है धागे जो है रन करते हैं इसमें। और ये जो है आपको मैं दिखाऊं तो ये देखिए ये मशीन का जो अंदर का हिस्सा है, जो निडल्स यहाँ पे लगी हुई हैं सुइयाँ, वैसे मेरे कहने के हिसाब से आप समझ गए होंगे सुई का यूज कहाँ किया जाता है। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए ये क्या बना रहा है। तो ये देखिए धागा ऐसे ऐसे रन करता है यहाँ से, और ये मशीन चल गई है, ये अपना काम स्टार्ट कर दी। तो इसे कमेंट बॉक्स में आप करके बताइए, कमेंट करके बताइए ये मशीन क्या बनाती है या इससे क्या क्या बनाया जा सकता है जो आपको समझ में आए। वैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखा दे रहा हूँ, ये इसका आउटपुट है जो बन के निकल रहा है, ये देखिए यहाँ पे जो फैक्ट्री के मैनेजर हैं ये सामने से, और इस कंप्यूटर पे जो है ये डिजाइन बनती है, जो यहाँ से डिजाइन इस कंप्यूटर पे बनाया जाता है और उसके बाद पेन ड्राइव वगैरह में लेके इसमें इंस्टॉल कर दिया जाता है, ठीक है। तो उस डिजाइन का प्रोडक्ट वो यहाँ से निकालता है अकॉर्डिंगली। इसमें मैन पावर की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा सा देखभाल करने की ज़रूरत होती है कि मान लो कोई निडिल टूट जाती है, कोई और इंटरनल इशू आ जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे सुपरवाइज करने के लिए लोग हैं यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। तो कई ऑपरेटर हैं यहाँ पे, अभी दिख नहीं रहे, सब ऑटो मोड पे मशीन लगा के चले गए हैं। तो देखिए कितना मतलब हाईटेक टेक्नोलॉजी है, आप बिलीव नहीं करोगे। इंडिया में तो ये टेक्नोलॉजी मुश्किल है, और अगर बन भी गई तो इतनी कॉस्टली है कि लोगों को अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये जहाँ तक मुझे पता है ये मशीनें जो है चाइना से आती हैं, चाइना से इंपोर्ट होती है इंडिया में। और आपको मैं बता ही देता हूँ इस पे जो है इस समय जूते का डिज़ाइन बन रहा है, जूते का कपड़ा, यानी कि जो सॉक्स होते हैं। तो आपको एक सैंपल मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये जैसे ये बना हुआ है ये सॉक्स, ठीक है, सॉक्स का ये डिज़ाइन बन के तैयार हुआ, सॉरी ये जूते का डिज़ाइन, सॉक्स का नहीं है, जूते का डिज़ाइन बन के ये तैयार हो गया, ठीक है। अब ये स्टिचिंग वगैरह के लिए जाएगा, पहले अभी कटिंग होगी इसकी, फिर स्टिचिंग होगी, उसके बाद फाइनलाइज होगा जो भी प्रोसेस होंगे इसमें, तो करने के बाद ऐसे ऐसे कुछ नहीं तो कम से कम 150 मशीनें लगी हुई हैं यहाँ पे, और बहुत बड़े स्तर पे काम हो रहा है। कई लाखों जोड़ी जूते का ऑर्डर आया हुआ है जूता बनाने का। ये देखिए सारी मशीनें उसी सेम फंक्शन पर काम कर रही हैं, ठीक है। सब मशीनों का अलग अलग जो है ऑपरेटर असाइन किए गए हैं, कुछ ऑपरेटर हर मशीन के लिए अलग अलग ऑपरेटर नहीं है कि जैसे एक ऑपरेटर 5 to 6 मशीनों को हैंडल करते हैं, तो इस तरीके से डिवाइड करके नंबर ऑफ ऑपरेटर को यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। ये देखिए सारे ऑपरेटर खाना पीना खा के आ गए हैं, मशीन को ऑटो सिस्टम पे छोड़ के चले जाते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये मशीन बिना एसी के नहीं चल सकती। ये देखिए पूरा एसी का एक सेंट्रल सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे, सेंट्रलाइज सिस्टम एसी का पूरी ये फैक्ट्री में। ये तो अभी हम हैं 3rd फ्लोर पे, ऐसे ग्राउंड फ्लोर पे कटिंग होती है, 1st फ्लोर पे जो है सेम यही प्रोसेस होता है, 2nd फ्लोर पे भी यही, और 3rd फ्लोर पे भी यही काम होता है। तो आप सोच लीजिए कितने तरीके से ये काम होता है, जूता बनाना इतना आसान नहीं होता।
जो मार्केट से हम जूता खरीद लेते हैं, पहन लेते हैं, या चप्पल की भी कटिंग चल रही है, चप्पल भी बन रहे हैं, किसी किसी मशीन पे चप्पल की भी जो है स्टिचिंग चल रही है चप्पल बनाने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप इन मशीनों के बारे में जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि इन मशीनों से क्या क्या बन सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।